भारत के राफेल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन से जेट एंड सी लड़ाकू विमान खरीदे हैं। चीनी विमान सौदे की जानकारी पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रसीद ने दी है। शेख रसीद ने बताया कि जेट एंड सी का एक पूरा स्क्वाड्रन अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। माना जा रहा है कि चीन के दबाव में आकर पाकिस्तान ने इस डील को मंजूरी दी है। चीन एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान को ऐसे 25 लड़ाकू विमान दे रहा है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर तो ये दावा कर दिया है कि वो इसे चीन से खरीद रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिस पाकिस्तान की सरकार को अपना मुल्क चलाने के लिए दुनिया भर के देशों के आगे खैरात का कटोरा लेकर घूमना पड़ रहा है, वो पाकिस्तान आखिर कहां से इतना पैसा जुटा सकता है। बेशक चीन इसे ना माने, लेकिन वो पाकिस्तान को इसे खैरात में ही दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे उसका एक खास मकसद है, जिसे पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। चीन का दावा है कि जेट एंड सी विमान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक है, लेकिन वही पाकिस्तान के सांसद का कुछ और ही मानना है। सांसदों का कहना है कि चीनी विमान उतना अच्छा नहीं है जितना भारत का राफेल है। आपको बता दें कि चीन ने साल 2006 में इस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था। इतने सालों में यह सिंगल इंजन वाला विमान चीन की वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। आईएन ब्यूरो।